मोटरसाइकिल वो खड़ी। ओए रे बड़ी जान है राधा। बोले कितना तेज पानी है। यही याक है, याक है इधर की साइड। 19 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं भाई। ज्यादा बोले, अब आप यहाँ तक आ चुके हैं। कौन सी जगह बोले ये? पीछे बताओ ये। बोले कौन सी जगह है ये? बोले हेमकुंड के पास हम हैं। जी बोले। और यहाँ पे काफी भीड़ है पानी की। जी बोले। तो कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, मौसम कैसा है? मौसम ठंडा है, शायद हमें रेनकोट वगैरह लेना पड़ेगा वहाँ पे। क्यों ठंडी थी ज्यादा? बोले ठंडी बोले तो बोले मैं तो यहाँ पे आने के बाद तो हमें गंगोत्री की याद आ गई। ओ बोले, कैसे बोले? जैसे गंगोत्री पे माहौल था एकदम चिकन बैच, जो मतलब होना चाहिए था वही माहौल यहीं पे है। ओ तो मैं कहूँगा कि ये वाकई ही उत्तराचल एक जगह है जो जन्नत कहलाने के लायक। ओ बोले, तो अगली बार आना पसंद करेंगे बोले यहाँ पे? सर बोले तो हमारा साल बुला रहा है। अगली साल कहाँ का प्रोग्राम है बोले आपका? अगली साल बद्रीनाथ हो गया आपका, गंगोत्री हो गया, तो फिर कहाँ जाना चाहते हैं अगली बार? अगली साल सोचते हैं कि अमरनाथ एक बार अच्छा है। ओ अगर बाबा बुलाएंगे तो। तो उत्तराखंड नहीं आना अगली बार? तो सोचते हैं कि तो बोले बाबा तो कैलाश पर्वत बुला रहे हैं, वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो कैलाश मानसरोवर के लिए जाइए। कोई बात नहीं, अगर बाबा बुलाएंगे तो भाभी ठीक है। बोले आइए, अब दूसरे बोलेगा मिलोगे तुम्हारा भी बैठा। एक मिनट खड़ी चलो यार, गाड़ी वाली पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो करके यार रुक जाएंगे। क्यों बोले यार, चलो यार टाइम खराब करने से फायदा क्या? बस एक सेकंड बोले, कहाँ से? बस बोले जोशीमठ से आ रहे हैं अभी। अब कहाँ पे पहुँचोगे? बोले बद्रीनाथ जाना है हमें अभी। अभी बोले अभी। ये भोले कौन है आपके साथ में? ये बोले मेरे दोस्त है बोले। अच्छा यहाँ पे आप, ये आप देख रहे हो पीछे कितना पानी है, ये कैसा मतलब कितनी स्पीड पे होगा? पानी को देख के डर लग रहा है, इतनी स्पीड स्पीड। अच्छा बोले सर्दी का कैसा माहौल है यहाँ पे? बोले बस तो बोले अब आ गया बद्रीनाथ। बोले सोच रहे बद्रीनाथ जाए, उसके बाद पोर्टल आप जाए, बर्फ बर्फ मिलती होगी वहाँ तो जरूर देखाएंगे। तो बर्फ में तो हाथ वात ठंडे हो जाएंगे आपके। बोले बस कभी देखी नहीं ना नजदीक से। अच्छा फील एंड टच करना चाहते हैं। तो अब एक काम करो, भाषण बंद करो और चलो।